हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर सर्कल्स जिज्ञासा मैथ्स 10th क्लास से। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी आपको प्रूव करना है रेडियस जो होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कि हमने एक डायग्राम कंसिडर करा है जिसमें क्या है, सेंटर ओ है आपका सर्कल पर, टेंजेंट ए बी है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है। आपको प्रूव करना है ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने कंसिडर करा पॉइंट क्यू ऑन टेंजेंट और आर ऑन द सर्कल। अगर आपको नज़र आ रहा होगा ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ आर और ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, तो ओ पी विल बी लेस देन ओ क्यू, यानी ओ क्यू विल बी ग्रेटर देन ओ पी, राइट। तो यानी कि जो सबसे पास वाला डिस्टेंस होता है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आपकी रेडियस, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, राइट। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर फ्लैश और आपके, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। स्टूडेंट ये बहुत आता है क्वेश्चन पेपर में आपके। अरेंजमेंट आपको गिवन है, आपको पी ए इक्वल टू पी बी शो करना है, राइट। अगर हम क्या करें, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दें, अगर हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दें तो क्या, तो आपका सी पी सी टी से दोनों जो टेंजेंट हैं वो इक्वल हो जाएंगी। तो कैसे करेंगे, ओ ए पी और ओ बी पी दोनों के दोनों ट्राइंगल लेके चलेंगे जिसमें आपका ओ ए ओ बी के इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ पी ओ पी कॉमन है और ओ ए पी और ओ बी पी आपका 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे ही आपका एस एस कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट होगा स्टूडेंट, तो पी ए इक्वल टू पी बी हो गई आपकी सी पी सी टी से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अगर हम थर्ड थ्योरम की बात करें स्टूडेंट, तो प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कलिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी एक सर्कल आपके पैरेललोग्राम, एक सर्कल आपका पैरेललोग्राम के अंदर है और उसे हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, पहले आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है ए बी सी डी, आपको एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी और एक आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ई एफ जी एच जिसके आपके पॉइंट्स आपके पैरेललोग्राम के ऊपर हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको जैसे आपको पता है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इक्वल होता है, तो चारों पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट वाली थ्योरम लगाएंगे और चारों को हम ऐड कर देंगे। जब हम चारों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ए एफ प्लस पी एफ इजिकल टू ए बी हो जाएगा, सी एच प्लस डी एच इजिकल टू डी सी हो जाएगा, ए ई प्लस डी ई इक्वल टू ए डी हो जाएगा, बी डी प्लस सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आपकी इक्वल होगी, तो ए बी प्लस डी सी आपका टू ए बी बन जाएगा और ए डी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी बन जाएगा, टू से टू जाएगा तो ए बी इक्वल टू बी सी। तो ऐसे ही आपके चारों साइड इक्वल हो जाएंगे और स्टूडेंट ए बी सी डी आपका रोम्बस हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन फोर्थ की बात करें तो वो भी एक थ्योरम ही आपकी एन सी आर टी की, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल टू राइट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल का समय स्टूडेंट वो 180 डिग्री आना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी भी आपका 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो हमने क्या करा, पूरी फिगर को एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 पर बांट दिया। तो यानी अगर हम कोई से भी दो ट्राइंगल अपने इक्वल कर लेते हैं, यानी कि कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं, तो हम एंगल को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्यू ओ सी और सी ओ आर लिया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, ऐसे ही आपका एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो गया, ऐसे ही एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो गया, ठीक है। तो आपके जब दो ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रेंट कर लिया एंगल 1 और एंगल 2 को, ऐसे ही करके ही आपके सारे एंगल आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इक्वल हो जाएंगे, राइट। देख रहे हैं आप अपने क्वेश्चन में, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारे एंगल का जो सम है वो आपने 360 लिया है, यानी सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका 360 होता है स्टूडेंट। एंगल 2 की जगह आपने एंगल 1 रखा, एंगल 3 की जगह एंगल 4 रखा, एंगल 6 की जगह एंगल 5 रखा और एंगल 7 की जगह आपने एंगल 8 रखा, तो 360 के इक्वल होगा स्टूडेंट, ठीक है। ट्वाइस आ जाएगा सारे एंगल का तो वो 360 के इक्वल होगा, 2 से कटा तो 180 आ जाएगा।
एंगल 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू एंगल ए ओ बी, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल सी ओ डी, दैट इज 180। तो दोनों एंगल का सम स्टूडेंट आपका कितना आ गया 180। सिमिलरली आपका ऐसे ही एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी भी आपका 180 आ जाएगा। सो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन है आपके पार्ट वन किसके सर्कल चैप्टर के फ्रॉम मैथ्स 10th क्लास। ऐसे ही आने वाले पार्टों में आपके बचे हुए क्वेश्चन आते रहेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव जिज्ञासा स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए हमारे साथ और समझते जाइए सारे चैप्टर्स को। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।